वेलकम टू बैक माई चैनल मेरिटो 109। दोस्तों आप सभी का मेरिटो फैमिली में स्वागत है। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको एक्सरसाइज करनी है और हफ्ते भर का पूरा वर्कआउट। ये हमारा जो है ये कल का वर्कआउट था जिसमें 800 मीटर के 5 रिपीटेशन और एक 1600 मीटर का रिपीटेशन था। टाइमिंग एवरेज टाइम थी और 5 रिपीटेशन 800 मीटर का लगाने के बाद 1600 मीटर का टाइम आया था 5:13, जो कि बुरा नहीं है, बहुत बेहतर है। 5:13 का मतलब जान लीजिए कि 4:35 या 4:40 का दौड़ जो है, अगर सिंगल 1600 मीटर लगानी हो तो आप आसानी से लगा सकते हैं। तो ये जो है लास्ट के कुछ वीक के वर्कआउट हैं और ये जो पावर वर्कआउट हैं और इसमें जो है आपको लगभग देखने को मिलेगा इस पूरे हफ्ते के लास्ट तक आपको लगभग देखने को मिलेगा। इसमें पूरा हार्ड वर्क हो रहा है क्योंकि अब भर्ती जो है 16 नवंबर को डिक्लेयर हो चुकी है। हमारा जो है आजमगढ़ ज़िला है वो शायद सेकंड या थर्ड नंबर पे लगेगा, तो उसके पहले जिनकी भी रहेगी 16 से, तो हम लोगों का उम्मीद करते हैं कि 18 से 19 नवंबर को लग सकती है। तो भाइयों अभी बात हम कर रहे थे अपने ज़िले के बारे में, तो आप जिस ज़िले से हैं आप इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएँ और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की वीडियो आपको लगातार पूरे महीने सालों साल देखने को मिलेगी और कुछ बेहतर आपके रिटर्न से भर्ती संबंधित प्रक्रियाओं से संबंधित जानकारी इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको प्रोवाइड करी जाएगी। ये चैनल आपके विशेष जानकारी आपको अवेयर करने के लिए बनाई गई है। अभी भाई साहब कुछ पुशअप लगा रहे हैं, जैसे कुछ भाइयों का होता है कि चेस्ट जो है नॉर्मल 80 और 85 फुलाव के बाद जो है रिक्वायर होता है, लेकिन वहाँ पे नहीं हो पाता है, तो इसलिए आप प्रतिदिन आपको बीम और पुशअप में डायमंड पुशअप और नॉर्मल पुशअप लगाना दोनों आवश्यक है। तो कल का वर्कआउट था, आज का वर्कआउट है हमारा हिल रनिंग जो कि हम ओवर ब्रिज पर कर रहे हैं। इसमें करना ये है कि एक तरह से जो डाउन है, एकदम जो ब्रिज का सबसे डाउन एरिया है वहाँ से हमें रनिंग करते हुए एकदम मिडल तक जाना है, जो डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 300 से 400 मीटर होगा। इतना हमको फास्ट जाना है, जब उधर से हम डाउन जाएंगे तो हमें स्लो जाना है। ये प्रक्रिया है, इससे आपके थाई पावर, मसल्स पावर डेवलप होंगी, तो ये करना आपको बेहद ज़रूरी है। इनके बाद ये करीब करीब आपको 20 से 25 मिनट करना है, जिसमें एक तरफ से जिधर से चढ़ान हो उधर से आपको तेज़ी से जाना है, जो कि आपका डिस्टेंस हो जाएगा 300 से 400 मीटर, आपके बेहतर परफॉर्मेंस के लिए बहुत परफेक्ट है। और उधर से जब ढलान की तरफ आप आएंगे तो उधर से स्लो जस्ट लाइक वार्म अप टाइप आपको करते हुए आना है। सॉरी थोड़ी आवाज़ फंस गई तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी, लेकिन आप वीडियो को देखिए और इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका हिल रनिंग, उसके पहले हुआ था रिपीटेशन, अभी हिल रनिंग हुआ है। अब देखते हैं कि अगले दिन जो है किस प्रकार की रनिंग होगी। तो हफ्ते भर हमने देखा है करीब करीब जब से सितंबर, मतलब 1 सितंबर से अभी तक एकदम तगड़ा वर्कआउट चल रहा है और ये उम्मीद है कि 15 अक्टूबर तक ये चलेगा। उसके बाद सिर्फ 1600 मीटर करीब 2 हफ्ते चलेंगे, उसके बाद बॉडी रिलैक्स छोड़ी जाएगी ताकि बढ़िया परफॉर्मेंस आ जाए। और उसके बाद जो है आप अपने अपने सेंटर पे जहाँ पे भी होगा आपका, जो भी हो ERO VRO जहाँ भी आपका सेंटर हो, आप वहाँ जाइए और अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने प्रैक्टिस पे विश्वास रखिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख ही पा रहे होंगे कि उधर से वार्म अप करते आना है रिलैक्स, और आपको आपका सेंटर ऑफ मास जब है, जब अगर ढलान पे आ रहे हैं तो अपने कमर पे रखिए अपना सेंटर ऑफ मास। इससे क्या है कि आपको थकान कम होगी और रिलैक्स थोड़ा करने को मिलेगा। इसमें मेन मकसद है, हिल रनिंग का मेन मकसद यही है कि आपका थाई जो है ज़्यादा से ज़्यादा भरे। अब भरने से क्या होगा कि इसकी पावर बढ़ेगी, और पावर बढ़ेगी तो कभी कभी होता, कभी नहीं मतलब डेफिनेटली होता ही है। 1600 मीटर जो भी शॉर्ट रेस में एक चीज़ कॉमन है कि आप 400 से 500 मीटर जाएंगे उसके बाद आपके थाई लॉक होने लगेगी, मतलब भरने लगेगी, फिर पांव चलते नहीं हैं। तो उस समय आपकी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए यह दौड़ बेहद ज़रूरी है।
ये हमारी कप्तानगंज का लोकेशन है जहाँ दो ओवर ब्रिज हैं। तो पहला वाला जो ओवर ब्रिज है उसका कुछ ढलान मतलब एकदम तीव्र नहीं है, थोड़ा हल्का करके है, तो डिस्टेंस 400 मीटर एटलीस्ट मिल जाता है, जो एक बेहतर डिस्टेंस है इस हिल रनिंग के लिए। तो यहाँ दौड़ लगभग हो चुकी है 20 मिनट। अब इसके बाद कुछ एक्सरसाइज हुई है, एक्सरसाइज के बाद ये आपके हाथों का पावर बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइज करी जाती है, जिसमें पैर ऊपर किसी ऑप्टिकल पे रख के नीचे कम से कम 4 से 5 मिनट करना होता है। इससे बहुत ज़्यादा हाथों में पावर आता है और ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, जो कि दौड़ के लिए बेहद ज़रूरी है, और इससे बॉडी लचीली भी होती है। अगर ये वीडियो आपको किसी प्रकार से सुविधाजनक लग रहा हो तो अपने भाइयों को, अपने जो दोस्त आपके मित्र हैं उनके पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस प्रकार से इसका लाभ ले सकें देख के। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की वीडियो आपको रेगुलर पर डे आपको देखने को मिलेगी, जिससे आपको आपके इस रनिंग में बेहद इजाफा होगा। ये हमारे कोच सर हैं जो कि पैरा कमांडो सोल्जर थे, अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। विदाउट एनी कास्ट सभी बच्चों को महीने के महीने पूरे साल बिना एक पैसे लिए सबको एकदम बेल्ट एकदम अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। कभी 1 रुपया किसी से नहीं लेना, पैसा सबके पास है। सब बहुत लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी को बहुत बेहतर बना सकते हैं, उज्जवल भविष्य बना सकते हैं, लेकिन वो चार्ज भी लेते हैं, उस तरह से नहीं आते। लेकिन हमारे कोच सर जो है ये रेगुलर ऑन टाइम, हम लोग लेट हो जाते हैं कभी नहीं लेट होते हैं, 1 रुपया किसी से नहीं लेना, और पूरा अच्छा तरीके से पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। तो ऐसे गुरु के लिए मेरा सलाम है, इनको सत सत नमन है कि ऐसे गुरु हम लोगों को, सौभाग्य के ऐसे गुरु हम लोगों को मिले हैं। अब भर्ती नहीं आई, नहीं तो यहाँ पे 3 साल में 95% रिजल्ट आता, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि इसके पहले जब हम लोग यहाँ पे नहीं रनिंग करते थे, तो पहले के जो बच्चे थे 22 थे 2019 की भर्ती में, आर्मी भर्ती में 2019 की भर्ती में 22 में से 19 लोग सेलेक्ट हुए थे। सोचिए कितना बेहतर रिजल्ट, और आया नहीं, नहीं तो यहाँ पे उस समय जब तैयारी चल रही थी 2020-21 में, उस समय जो सबसे लास्ट लड़का था वो भी 5 मिनट तक ख़त्म हो जाती रेस, और पहला 35-40 ऐसे करके मतलब 5 मिनट तक लास्ट लड़का रहता था। फिर भी हो जाएगी, थोड़ा क्या है कि हम लोग जिस एरिया से हैं उतना सब कुछ सफिशियंट जो डोज होते हैं वो मिल नहीं पाता, इसलिए वर्कआउट उस प्रकार से होता नहीं है। लेकिन जैसे भर्ती आती है, अगर अगर आप चाहेंगे कुछ बेहतर करने के लिए, तो यहाँ पे आएँ, आपको पूरे साल वर्कआउट होगा। वर्कआउट क्योंकि गुरु जी हमारे जो हैं, हमारे कोच सर हैं, ये वेल ट्रेंड हैं, इनको सब पता ही, ये खुद 2000 में 4:25 का रेस लगा चुके हैं, एक बार नहीं कई बार लगा चुके हैं। सेना में क्रॉस कंट्री रेस में अव्वल थे, ये सारा कुछ करे हैं, कब कैसे कितनी स्पीड में कितना बेहतर रेस बनाना, इनसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता। अपने एरिया की बात कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन इनसे बेहतर अपने एरिया में कोई नहीं जानता। और हमारे जो बॉडी के पोस्चर हैं, जैसा हमारा वर्कआउट चलता है उसके हिसाब से गुरुजी जान जाते हैं कि मतलब इनकी बॉडी जो है रिस्पॉन्स कर रही है कि नहीं, इस समय मतलब दौड़ और वर्कआउट मतलब तेज़ करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, पूरा एकदम सिचुएशन देख के काम करवाते हैं। ये नहीं कि आपका बॉडी एकदम टाइट है, हालत एकदम ख़राब है, उसी में फिर तेज़ करवा दें, नहीं, जैसा आपका सिचुएशन रहेगा उसी के हिसाब से वर्कआउट होगा। एकदम परफेक्ट रेस, सब कहते हैं कि ना 2 महीने में रेस कैसे बना लेंगे, 2 महीने में रेस भाई नहीं बनती, रेस कैसे बनती, जैसे आप कोचिंग क्लास ज्वाइन करे होंगे तो कोचिंग में पढ़ते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, लेकिन मेन बेनिफिट कब करेगा, जब उसका रिवीजन करेंगे। रिवीजन कब करेंगे, जब आप पहले पढ़े होंगे, तो पहले अगर आप रनिंग करे होंगे तो ये लास्ट के 2-3 महीने में आपकी दौड़ मतलब अगर छोड़े होंगे तो 2-3 महीने में तैयार हो जाएगी। अगर आप कभी रनिंग नहीं करे हैं तो 2-3 महीने में भाई कोई चांस नहीं है, मतलब असंभव तो नहीं कह सकता, क्योंकि दुनिया में कोई चीज़ असंभव नहीं है, लेकिन इतना आसान भी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बने रहिए।